नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज हम मिस्ट एंड फूड का एनालिसिस करेंगे। मिस्ट एंड फूड जो है आज सुबह से बहुत अच्छा रैली देखने को मिल रहा है और ये जो है 11 से 11.5% तक का अपसाइड हो चुका है और हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 15 का रहेगा। यहाँ दोस्तों 15 तक का एक जैसे यहाँ से एक रिवर्सल लिया है ना, तो 15 और एक रेजिस्टेंस जो पड़ा बढ़ने की कोशिश किया जा रहा है 19 का। ये दो लेवल अगर अपसाइड का है, ये अपसाइड का भी जाने की कोशिश किया जा रहा है। और आज जो वॉल्यूम की बात किया जाए ना, तो सेलर अभी 8 ही लाख पड़े हुए हैं और बायर कितना 25 लाख है। एक तरह से बायर अभी बुलिश है और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 19.24 का। यहाँ दोस्तों 19.24 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा ना, तो पहला पहला टारगेट जो रहेगा वो सीधा रहेगा 22.50 तक का देखने को मिल सकता है। कंपनी अभी जो है ना, एक तरह से बहुत ही अच्छा रिवर्सल लिया जा रहा है शेयर्स के अंदर। जैसे कि ये देख लीजिए, कई बार इधर रेस्पेक्ट किया था और ये रेस्पेक्ट जो यहाँ पे किया ना, वही यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ से रिवर्सल ले लिया। और आज क्या था, निफ्टी भी अपसाइड था तो निफ्टी का इसमें दबाव आया नहीं, नहीं तो ये ना इसमें आज फिर हमारा जो सपोर्ट था ना वो भी तोड़ के नीचे जा सकता था। मगर निफ्टी में आज अच्छा है तो इसलिए ना इसमें रिवर्सल भी देखने को मिला और अच्छा सा 12% तक का अपसाइड भी है। और अब देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 बार ना रेस्पेक्ट कर करके ऐसे अपसाइड गया है, तो अब यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो दिक्कत आएगी वो 19.24 का आएगा। अगर यहाँ पे 1 2 कैंडल बना के अपसाइड गया ना, तो सीधा हमको पहला टारगेट 22.50 तक का, 25 तक का जरूर देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट आप ध्यान में रखिएगा 15 तक का। ये अगर ब्रेक हो गया तो सीधा हमको 10 तक आना पड़ सकता है, तो इसलिए ना सपोर्ट का भी ध्यान रखिएगा। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।